नमस्कार। स्टडी फॉर गोल्स का आज का ये लेक्चर झारखंड एक्साइज कांस्टेबल पर बेस्ड है। हम देखेंगे जुलाई के थर्ड वीक में होने वाले झारखंड उत्पाद सिपाही के एग्जाम में पहले किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। शुरू करते हैं। कारों में तय की गई दूरी मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न को हमने पहले भी एक लेक्चर में कवर किया है। इसका आंसर है ओडोमीटर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रोजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, मीथेन है, जल वाष्प है और नाइट्रस ऑक्साइड है। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से मेन ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं। H2O यानी वाटर, लेकिन वेपर के फॉर्म में, इवेपोरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न, लोहे या इस्पात की वस्तुओं को जंग लगने से रक्षा करने के लिए जस्ते का प्रयोग कहलाता है? मिश्रावन, विरंजन, यशव लेपन या स्नेहन। इसका सही उत्तर है यशव लेपन यानी गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन में हम क्या करते हैं कि लोहे के ऊपर जिंक की एक परत चढ़ा देते हैं जिससे कि वो जंग लगने से बच जाता है। अगला प्रश्न, तारों के टिमटिमाने के घटनाक्रम को निम्न में से कौन व्याख्या करता है? परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का विकिरणन या परिक्षेपण। तो इसका सही उत्तर है वायुमंडलीय अपवर्तन। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं वायुमंडल की घनत्व कम होती जाती है और घनत्व में अंतर आने के कारण क्या होता है कि प्रकाश की किरणों में भी परिवर्तन होता है और इसी के कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अगला प्रश्न, विद्युत पारा की SI इकाई क्या है? विद्युत पारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट है एम्पियर। अगला प्रश्न, गर्मियों में मिट्टी के पात्र में रखा हुआ पानी निम्न संवृत्ति के कारण ठंडा हो जाता है? परासरण, प्रसार, वाष्पोत्सर्जन या वाष्पीकरण। तो इसका सही उत्तर है वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। इसीलिए मिट्टी के बर्तन को हम ऐसी जगह रखते हैं जहां हवा अच्छे से बहे जिससे कि वाष्पीकरण ज्यादा हो और पानी जल्दी ठंडा हो जाए। अगला प्रश्न, कोशिका में प्रोटीन कहां संश्लेषित होता है? कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल नहीं, लाइसोसोम में नहीं, राइबोसोम में नहीं, क्रोमोप्लास्ट में प्रोटीन संश्लेषित होता है। अगला प्रश्न, अंतरजलीय वस्तुओं की दिशा और गति मापने के लिए निम्न में से कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन डायोड, द्रव घनत्व मापी, चाल मापी या सोनार। इसका सही उत्तर है सोनार। सोनार सिर्फ एक वर्ड नहीं है, इसका फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सोनार। अगला प्रश्न, आयोडीन की कमी कौन से रोग को जन्म देती है? इसका सही उत्तर है घेगा। अगला प्रश्न, दूध के नमूने की शुद्धता मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? द्रव घनत्व मापी, वायुदाब मापी, लैक्टोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो लैक्टोमीटर वो उपकरण है जिसका इस्तेमाल हम लोग दूध की शुद्धता नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर है जे.जे. थॉमसन ने। अगला प्रश्न,
रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए के कमी के कारण रतौंधी होता है। रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस, रात में कम दिखना। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से पदार्थ को तापित करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है जिप्सम। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। इसी को जब हम हीट करते हैं 373 केल्विन पर, तो ये CaSO4.5H2O में कन्वर्ट होता है। ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस और ये होता है जिप्सम। अगला प्रश्न, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? इसका सही उत्तर है एडवर्ड जेनर। इसीलिए एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी बोलते हैं। ये दुनिया का सबसे पहला वैक्सीन था जो इन्होंने डिस्कवर किया था। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस में कौन सा ऊर्जा रूपांतरण होता है? तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि धूप की रोशनी से प्लांट अपने लिए फूड बनाता है, यानी कुछ केमिकल्स बनाता है, यानी प्रकाश की ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा को बनाता है। तो इसका सही उत्तर होगा सी। निम्न में से कौन रोगों से लड़ने के लिए प्रतिपिंड उत्पन्न करता है? रोगों से लड़ने के लिए हमें श्वेत रक्त कोशिकाएं मदद करती है, यानी वाइट ब्लड सेल्स। अगला प्रश्न, वसा के संचयन के लिए निम्न में से कौन सा उत्तक जिम्मेदार है? वसा यानी फैट। फैट कहाँ स्टोर होता है? एडिपोज टिश्यू में, यानी वसा उत्तक। आंसर बी। अगला प्रश्न, प्रतिध्वनि निम्न कारण उत्पन्न होती है? प्रतिध्वनि क्यों उत्पन्न होती है? प्रतिध्वनि यानी इको, किसी सरफेस से आवाज टकरा के वापस आ जाती है, इसे ही हम प्रतिध्वनि कहते हैं। तो ये टकरा के वापस आ जाना होता है परावर्तन, रिफ्लेक्शन। अगला प्रश्न, CFC अथवा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के निरंतर प्रयोग के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा खतरा उत्पन्न हो रहा है? ये हमने शुरू के ही प्रश्न में देखा था कि एक ग्रीन हाउस गैस है और ग्रीन हाउस गैस के बढ़ने के कारण ओजोन लेयर हम लोग का पतला होते जा रहा है, तो ओजोन परत निशेषण। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन ऊर्जा का एक तवीकरणीय रूप नहीं है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स? तो तरंग ऊर्जा रिन्यूएबल है, तापीय विद्युत संयंत्र ये नॉन रिन्यूएबल है, भूतापीय ऊर्जा रिन्यूएबल है और ज्वारीय ऊर्जा ये भी रिन्यूएबल है। तो इसका सही उत्तर होगा बी। एक प्रश्न आप सभी के लिए, जिस दर से वस्तु अपना स्थान बदलता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ये क्वेश्चन पहले भी कवर हो चुका है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। धन्यवाद।